After some hours had passed, the head teacher said to me. After some hours, the head teacher of the institution told me the adjoining recitation room needs sweeping. Take the broom and sweep it. Adjoining means सटा हुआ, ऑफिस से सटा हुआ कोई रिसाइटेशन रूम था जहां बच्चे बैठ के एक साथ पाठ करते हैं, कुछ कविता पाठ करते हैं, तो उस रूम में सफाई की आवश्यकता है. द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड स्वीपिंग, टेक ब्रूम एंड स्वीप इट. झाड़ू उठाओ और उसे साफ करो. It occurred to me at once that here was my chance. Never did receive an order with more delight. The writer want to say that at that time when the head teacher told him take broom and sweep the recitation room. Hearing that, I felt very happy. Because it was the chance for me. Never did receive an order with more delight. लेखक आगे बताना चाहता है कि भविष्य में कभी भी किसी ऑर्डर को इतनी खुशी के साथ मैंने कभी ग्रहण नहीं किया. लेखक को उस समय वो जो आदेश मिला कमरे की सफाई करने का, वो ऑर्डर लेखक इतनी उत्सुकता पूर्वक इतनी खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट किया जैसे वह उसे मुंह मांगा इनाम मिल गया. आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 times व्हेन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ एंड आई डस्टेड इट 4 times. लेखक ने उस कमरे की 3 बार सफाई किया, उस कमरे को 3 बार साफ किया, झाड़ू लगाया, फिर डस्टिंग क्लॉथ लिया और उस डस्टिंग क्लॉथ से 4 बार हर चीजों को साफ किया, डस्ट साफ किया. ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क. उस क्लास में जो कुछ भी वुड वर्क थे, लकड़ी से बने जो भी चीजें वहां फर्नीचर्स थे, उन सभी फर्नीचर को, चाहे वो बेंच था, चाहे टेबल था, या डेस्क था, या अलमीरा था, सभी को वो 4 बार डस्ट वहां का हटाया. आई वेंट ओवर 4 times विथ माई डस्टिंग क्लॉथ. मैं अपने डस्टिंग क्लॉथ के साथ 4 बार उन सभी पार्ट, इस क्लास में जो भी पार्ट थे, लकड़ी के जो भी वर्क थे, सभी को मैंने 4 बार साफ किया. बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोसेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड. यहां तक कि उस क्लास में जो भी कॉर्नर थे, दरवाजे थे, अलमीरा थे, या फिर डेस्क बेंच टेबल थे, उन सभी चीजों को मैं 3 बार 4 बार क्लीन किया, साफ किया, झाड़ू लगाया और उसके बाद कपड़े से उसको 4 बार उसकी सफाई किया. आई हैड द फीलिंग डैट इन लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर. मैं जानता था, आई न्यू इट वेरी वेल. लेखक कहता है कि मैं यह बहुत अच्छी तरह से जानता था. माई फ्यूचर इज डिपेंड अपॉन द क्लीननेस ऑफ दिस रिसाइटेशन रूम, क्लीननेस ऑफ माई वर्क, ऑफ माई वर्क. यह मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर इस सफाई पर डिपेंड करता है. मुझे इस अवसर को किसी भी कारण, किसी भी तरह से, एट एनी हाउ, एट एनी कास्ट, मुझे इस अवसर को भुनाना चाहिए, इस अवसर का 100% लाभ लेना चाहिए. और मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता था कि कहीं से भी कोई गंदगी कमरे में छूट जाए
और मेरा फ्यूचर खराब हो जाए। When I was through, I reported to the head teacher. जब मैंने सब कुछ कर लिया, when I had finished my work of sweeping the room, I had reported the head teacher. She was a Yankee woman. Yankee woman, Yankee woman means ऐसी औरत who knew just where he looked for dirt. वह ऐसी महिला थी जो यह अच्छी तरह जानती थी कि उसे धूल कहाँ प्राप्त हो सकता है। आप कमरे की सफाई करते हो कभी? आप कितना भी सफाई करेंगे लेकिन कमरे में जो भी फर्नीचर्स होंगे, जो भी कार्नर्स होंगे, कार्नर से अक्सर धूल रह जाते हैं। डेस्क बेंच या फर्नीचर्स आइटम जो भी होते हैं उसके निचले सतह पर अक्सर धूल रह जाते हैं जहां लोगों की नज़र नहीं पड़ती है। लेकिन राइटर यह जानता था और इसीलिए वो उस कमरे के हर एक पार्ट को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया ताकि कहीं से भी धूल का एक पार्ट भी उस कमरे में न रहने पाए। शी वेंट इन टू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लॉज़ेट। वह महिला कमरे में गई और सभी फर्श को अच्छे से जांची। देन शी टुक हर हैंडकरचीफ एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल्स एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस। और जब वो कमरे में गई, हर फर्श को, हर डेस्क बेंच को, फर्नीचर्स को देखी, इंस्पेक्ट की, जब उसे कहीं धूल नहीं मिला तो वो अपना हैंडकरचीफ, रुमाल जिसे बोलते हैं, हैंकी, हैंडकरचीफ निकाली और उसको रब्ड, रब्ड मीन्स रगड़ना, फर्नीचर वर्क पर, डेस्क बेंच पर, वॉल्स, दीवारों पर, अन्य जगहों पर उसे रगड़ी ताकि उसे धूल का कुछ अंश, थोड़ा सा कण उसके रुमाल में आ जाए। When she was unable to find a bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of furniture, she quietly remarked. जब उस प्रधान अध्यापिका को उस कमरे में कहीं से भी सिंगल बेट ऑफ डस्ट, धूल का एक छोटा सा कण भी नहीं मिला तो वो क्वाइटली रिमार्क, धीरे से वो बोली, क्या बोली? आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन। आई गेस यू विल टेक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन बिकॉज यू हैव पेशेंस, एनफ पेशेंस, यू हैव जील एंड ऑल्सो यू हैव मेनी क्वालिटी सो डैट आई कैन एडमिट यू। तुम्हारे अंदर बहुत सारा उत्साह है, जोश है और बहुत सी खूबियाँ हैं जिसके कारण मैं तुम्हारा एडमिशन ले सकती हूँ। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई इवर पास। दिस इज द लास्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। इन द लास्ट पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं का वर्णन कर रहा है। वेन ही हर्ड दैट ही विल टेक एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन, जब लेखक ने यह सुना कि वह उस संस्थान में एडमिशन ले सकता है,
तो उसे इतनी खुशी हुई कि उसके मन में यह भाव आया कि आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट ऑन अर्थ, ही वॉज द ओनली पर्सन ऑन द अर्थ हु इज वेरी हैप्पी, मोस्ट हैप्पी। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। कमरे की सफाई, स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरी कॉलेज की परीक्षा के समान था। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, सिंस देन आई हैव पास मेनी एग्जामिनेशन, सेवरल एग्जामिनेशन, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, आई फेल्ट, मैं यह महसूस करता हूं क्या, दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ट, वह सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा प्रसन्नता देने वाला एग्जाम मेरे लिए वो था जिसको मैंने कभी पास किया था। सो डियर फ्रेंड्स, आज आपके ये फर्स्ट लेसन दो पूरी तरह से समाप्त हुआ। मैंने आपको लाइन बाय लाइन इस लेसन को अच्छी तरह समझा दिया। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से बार बार देखेंगे, अपना बुक अपने सामने रख करके उसको पढ़ेंगे, और कहीं आपको अगर दुविधा होती है, डाउट होता है, इस वीडियो से आपको काफ़ी उससे मदद मिलेगी। और इस लेसन को पढ़कर और अपने अंदर आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे या आपके अंदर क्या बदलाव आता है उसे जरूर नोट करिएगा, क्योंकि यह जो लेसन है यह किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में कभी ना कभी, इस लेसन को अगर आप अच्छे से अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से राइटर की बात बुकर टी वाशिंगटन, जो एक काफ़ी निधन परिवार में पैदा हुआ, परीक्षा के प्रति उनका जो समर्पण था, त्याग था, उन्होंने जो अपने प्रयास से जो सिद्ध किया, जो उनके लिए ये लाइन कही जाती है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह होती है वहां राह होती है, अगर आप प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इस संदेश के साथ इस लेसन को खत्म करते हुए आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप इस पाठ को पढ़कर इससे मिलने वाले ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।